हमारे इस भारत देश के अंदर बार बार मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अब गुस्ताखी करने वालों को इतनी ताकत मिल गई है कि उनको ये पता चल गया है कि ये मुसलमान कुछ करते नहीं हैं, ये मुसलमानों में कोई दम नहीं रहा, मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, मुसलमानों की कोई जमात नहीं है, मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है। जब हम भोगते हैं तो हमारे खिलाफ कोई कुछ करे, हाँ जब हम भोगते हैं तो सिर्फ एक FIR दर्ज होता है और कई FIR दर्ज हो जाते हैं, उसके बावजूद भी ऐसे मर्दूद ऐसे नस्ल हरामों को पकड़ा नहीं जाता। एक महाराष्ट्र से भोगता है, फिर मीडिया उसके पास पहुंचती है और पूछती है कि तुम्हारे इस बात से मुसलमानों को ठेस पहुंची है। वो कहता है कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा है, मैंने तो बस हक बयान किया था, ऐसी क्या तकलीफ हो रही है मुसलमानों को मुझे नहीं मालूम। अब उत्तर प्रदेश से और एक एक स्वामी जो स्वामी के लिबास में है वो मेरे आका की शान में भौंक रहा है, वो एक नस्ल हराम बुरी बुरी बातें कह रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। अगर हम जैसे नौजवान बात करें तो भड़काऊ भाषण कि हम मुसलमानों को भड़का रहे, अरे मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले रहनुमा तो आगे आए, कोई ऐसा एहतजाज करे, कोई ऐसा पुरामन प्रोटेस्ट तो करे, अरे उलामा का स्टेज तो लगे, कायदीन लीडर का स्टेज तो लगे, जहां पर हम जैसे मुसलमान आकर खड़े हो आपकी बात को सुने, कम से कम हमें यह तसल्ली हो कि हम जिंदा हैं, हम मरे हुए नहीं हैं। मेरे आका की शान में जब गुस्ताखी की जा रही है तो मुसलमान कम से कम एक ग्राउंड में पहुंचकर अपने दर्द का इजहार करें मुल्क के सामने और लोगों को बताए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है मुसलमानों को, करोड़ों मुसलमानों को ठेस पहुंची है। अरे ये एक मर्द मुजाहिद बेंगलुरु शहर के अंदर थे, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, अशरफ अली साहब रहमतुल्लाही अलैह। अशरफ अली साहब अमीर शरीयत उस वक्त पर एक ऐलान किए, जब कमलेश तिवारी ने नबी पाक से सलम के सामने गुस्ताखी की तो एक ऐसा स्टेज मस्जिद कादरिया में लगा था जहां पर तमाम मसलक के उलामा एक स्टेज पर आ गए थे, शिया भी थे, सुन्नी भी थे, बरेली भी थे, देवबंदी भी थे, एहले हदीस भी थे, सब थे, सब जमा हो गए थे उस स्टेज के ऊपर और ऐलान पूरे मुल्क को पैगाम दिया कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, हमारी दिल को तकलीफ पहुंची है, हमें तकलीफ पहुंची है। वो एक्शन ऐसा हुआ कि उस कमलेश तिवारी के ऊपर FIR भी दर्ज हुआ, कानूनी भी कार्रवाई भी हुई, जेल भी गया, फिर बाहर आया, फिर इबरतनाक मौत भी मिली उसे, इबरतनाक मौत मिली उसको। वो उलमा के अंदर वो चिंगारी थी, वो उलमा के अंदर तड़प थी, वो उलमा के अंदर हिकमत के नाम पर बैठने वाली सिफात नहीं थी। मुझे खुले अल्फाज में कहने दीजिए, आज मेरे नबी की शान में गुस्ताखी होती है, जिनको हम बड़ा मानते हैं, जिनको हम बड़ा लीडर मानते हैं, जिनको हम बड़ा इंसान मानते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं आज। कर रहे हैं, भूल हो रही है मुझसे, वो क्या कर रहे हैं? कमिश्नर से मिलते हैं, पुलिस से मिलते हैं, एक मेमोरेंडम देते हैं और संजीदगी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, भाई फलाने ने शख्स ने नबी की शान में गुस्ताखी की, हमें बहुत तकलीफ हुई, हम आकर मेमोरेंडम दिए हैं, हम आकर FIR दर्ज कराए। बात बहुत अच्छी बात है, कानूनी मुल्क, इस मुल्क के अंदर कानून के दायरे में रहना है, हम जज्बात में आकर भड़काऊ कोई काम नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, और मुसलमानों का ये पेशा भी नहीं है कि भड़काऊ भाषण दे या चिंगारी लगाए और मुल्क की किसी चीज़ को तकलीफ पहुंचाए या रोड पर निकलकर ऐसे वैसे नारे लगाकर माहौल को बिगाड़े, नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ तो लीडर्स हमारे ऐसे हों, कुछ तो हमारे बड़े कायद ऐसे हों, अरे मैं खुले अल्फाज में कहूँ तो उलमा हमारे आगे आए, एक स्टेज लगाए, एक बड़े मैदान में मुसलमानों को जमाए, मीडिया को बुलाए और अपने दर्द का इजहार करें। हमें तकलीफ पहुंची है, हमें दर्द पहुंचा है, अरे मेरे नबी के क्या बयान करूं, इस नबी के सदका तुफैल में ये जो दुनिया बनी, ये कायनात बनी, अगर नबी को ना बनाया जाता तो इस कायनात को भी नहीं बनाया जाता था। ये जमीन बना, ये आसमान बना, ये चांद बना, ये सूरज बना, ये बारिश, ये ठंडी, ये गर्मी, ये सब कुछ मेरे नबी की शान में बनी गई है, ये मेरे नबी की खातिर बनाई गई है। आज उस नबी के ऊपर कोई मर्दूद आकर गैर गलत बातें करता है और गंदी बातें करता है और बुरा भला कहता, मैं अल्फाज जबान पर ला नहीं सक रहा हूं कि जिस इस मर्दूद ने, इन दोनों मर्दूदों ने क्या मेरे आका की शान में गुस्ताखी की है। मैं इनके अल्फाज आपको सुनाना नहीं चाहता, कलेजा फट रहा है, बेचैन हो रहा हूं, बेकरार हो रहा हूं कि मेरे नबी की शान में किसी ने गुस्ताखी की, मैं बेबस हूं, मैं करूं तो क्या करूं।
अगर हम कुछ करते हैं तो हमारी अपनी कौम हमारे खिलाफ अगर हमारे सामने खड़ी हो जाती है, अरे हिकमत, हालात खराब है, माहौल खराब है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान एहतजाज करेंगे, कोई बीच में शरारत पसंद लोग आएंगे, शरारत करेंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे, फिर जेलों में डाला जाएगा। क्यों इम्तियाज जलील मरते मुजाहिद जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद से लेकर मुंबई को एक बड़े काफिले को लेकर जा सकता है, तो हमारे कर्नाटक के अंदर, बैंगलोर के अंदर हमारे कोई ऐसे लीडर्स नहीं है, हमारे कोई ऐसे कायद नहीं है, हमारे कोई ऐसे उलमा नहीं है जो हमारे लिए क्यादत करे, हमारी रहनुमाई करे, हमारी इसलाह करे, हम सब को लेकर, नौजवानों की फिक्र को लेकर, तड़प को लेकर। अरे ये आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम सिर्फ मेरे एक के नबी नहीं है, वो आपके भी नबी है, वो रहमतुल आलमीन है, वो सारे कायनात के नबी है। क्या आपके दिलों को तकलीफ नहीं पहुंच रही है ऐसे मर्दूदों के बयान सुनने के बाद में? हमें कुछ करना चाहिए, हमें हुकूमत को बताना चाहिए कि बेशक हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमारी आस्था भी तो एक चीज है, हमारा बिलीफ भी तो एक चीज है। इस मुल्क के अंदर जब हमारे बिलीफ की, हमारे आस्था की धज्जियां उड़ाई जाए, हमारे बिलीफ को, हमारी आस्था को, हमारे इमोशन को ठेस पहुंचाया जाए, तो क्या हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता? कम से कम ऐसे मर्दूद को कानून अपनी मर्जी से सजा नहीं दे सकता? हमारा तो जी चाहता है कि हम उसको पकड़े, उसको मार दे, उसे खत्म कर दे, दिल खोल रहा है, क्योंकि हम जीते हैं रसूलुल्लाह की खातिर। रसूलुल्लाह की तालीमात है, इस मुल्क से मोहब्बत करो तो मोहब्बत कर रहे हैं। रसूलुल्लाह की तालीमात है, इस मुल्क के लिए अपनी जानों की नजराने देने की जरूरत पड़ी तो दे दो, तो हमारे बुजुर्गों ने जानों की नजराने देकर इस मुल्क को आजाद करवाया है। आज आजाद मुल्क के अंदर मेरे नबी को गाली दी जाती है, इस आजाद मुल्क के अंदर मेरे नबी को बुरा भला कहा जाता है, और कोई कानून नहीं बन रहा इसके ऊपर, कोई कानून नहीं है इसके ऊपर। 25 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों की आस्था की, बिलीफ की कोई फिक्र नहीं है इस मुल्क के अंदर। तड़प रहा है हमारा दिल जो मेरे नबी के सामने खुलेआम माइक लेकर वो बुरा भला कह रहा है, लेकिन खुलेआम फिर रहा है एफ आई आर होने के बाद में भी। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे हिरासत में नहीं ले रही है। मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, अगर मेरा गला भी फट जाए, अगर मुझे मौत भी आ जाए, मेरी जान भी आ जाए, मैं जीता हूं मेरे आका के लिए। मैं मरने के लिए इस दुनिया में आया हूं, जीने के लिए इस दुनिया में नहीं आया हूं, मरने के लिए आया हूं, मुझे मरकर जाना है इस दुनिया से। अरे गैरतमंद मुसलमानों उठो, हमारे नाम पर वोट लेने वाले कायदीन उठो, उलमा जो हमारी रहनुमाई करने के बड़े बड़े वादे करते हैं वो आगे आओ, पुरमन एहतजाजी सही करो, बोलो जुल्म के खिलाफ, बोलो गुस्ताखी के खिलाफ, बताओ पूरे मुल्क को कि नबी रहमतुल आलमीन है, उनके खिलाफ जब कोई बोलता है तो दिल जलता है हमारा, जला हुआ है सीना हमारा, बोलो। हम जैसे नौजवानों की अगर जाने चाहिए तो ले लो हमारी जाने, लेकिन बंद करो इस मुल्क के अंदर नबी की शान में जो गुस्ताखियां हो रही है, खुलेआम फिर रहे हैं ये दरिंदे, ये हरामखोर, ये सुअर फिर रहे हैं। कल को कोई मुसलमान कोई गलत कर हरकत कर दे जज्बात में आकर, फिर इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसने जो किया वो गलत किया, नहीं करना चाहिए था, फिर एक इमोशनल बयान बड़े बड़े लोगों के शुरू हो जाते। नौजवानों देखो, हमारा कोई कायद नहीं है, हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारे बारे में बात करने वाला कोई नहीं है, हमें रोटी के कपड़े के बारे में मत बात करो, जो मुकद्दर में जो नसीब में वो मिलना हो मिलकर रहेगा, लेकिन जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी होती है तो ऐसे गुस्ताखों को जेल के हवाले करो, डालो। कम से कम मुसलमानों को ये पता चले कि इस आजाद मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जा रहा है, उन खबरों को ठंडक पहुंचेगी, उन खबरों में सुकून पहुंचेगा जिन्होंने अपनी गर्दनें कटाकर इस मुल्क को आजाद किया था।